रादौर विधायक श्याम सिंह राणा को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वीरवार को पंचकुला में जैसे ही विधायक श्याम सिंह राणा ने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने राणा के निवास पहुंच ढोल की थाप पर लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यमुनानगर के चेयरमैन धर्म सिंह बंसल ने राणा को मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राणा के मंत्री बनने से रादौर के विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राणा ने 2014 में विधायक रहते भी रादौर में विकास के कार्य करवाए थे और अब मंत्री बनने के बाद क्षेत्र विकास में और आगे बढ़ेगा। श्री श्याम सिंह राणा जी को मंत्री बनाया गया है, उसके लिए हम श्री नायब सिंह सैनी और मोदी जी सरकार भारतीय जनता पार्टी का तय दिल से सारी रादौर की जनता शुक्रिया धन्यवाद करती है। और आज हमारे रादौर का सौभाग्य है कि आज हमें हमारे को श्री श्याम सिंह राणा जी जैसे शरण मंत्री मिले और आज पहली बार हमारे रादौर को मंत्रालय मिला है। इसके लिए तय दिल से हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे यहाँ उसी शहर में क्या पूरे हल्के में आज बच्चे बच्चे की जबान पे पूरा जोश के साथ सारों को बहुत खुशी है सभी को। उन्होंने पहले 2014 से और 2019 में भी बहुत ही विकास कार्य किए थे और लेकिन अब श्याम सिंह राणा जी का एक ही मकसद है कि रादौर को बड़े से बड़े जो भी कार्य है वो सभी कार्य होंगे। जैसे हमारे यहाँ से रोड जाता है ये यमुनानगर रोड, इसको 6 लेन बनाना, रादौर के अंदर एक स्टेडियम बनाना, रादौर के ही नहीं पूरे हल्के में श्री श्याम सिंह राणा जी हमारे मंत्री बन के जब आए हैं तो हमारे हल्के को एक स्वर्ग बना देंगे सारे हल्के। वहीं युवा कार्यकर्ता जसविंदर ग्रेवाल ने कहा कि राणा के मंत्री बनने से युवाओं में काफी जोश है। ग्रेवाल ने कहा कि रादौर में अधूरे पड़ा खेल स्टेडियम का कार्य अब पूरा होगा, जिससे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। हमारे यहाँ पे पहली बार कैबिनेट मंत्रालय मिला है यहाँ पे और युवाओं में तो इस बात को लेके एक विशेष ही उत्साह रहा, क्योंकि युवाओं के साथ एक श्याम सिंह राणा जी का विशेष स्नेह रहा है। उन्होंने पीछे भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि हमारे युवाओं को आगे बढ़ने में सहयोग मिला और हम आगे इससे भी ज़्यादा विकास कार्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जैसे हमारे रादौर में जो भी कार्य रुके पड़े थे, युवाओं की मेन समस्या थी यहाँ पे स्टेडियम का न हो पाना। अब उसके लिए राणा जी ने अपने पहले तो सिर्फ विधायक ही थे, इस बार दो मंत्री बन गए हैं। सिंथेटिक ट्रैक जैसी व्यवस्थाएं भी इस बार स्टेडियम में बनने वाली हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे चिकित्सा के लेके थोड़ी दिक्कत थी, हॉस्पिटल को लेके कुछ दिक्कत आ रही थी, तो श्याम सिंह राणा जी से हम उम्मीद भी करते हैं और हमारी अपेक्षा भी है, ये भी बहुत अच्छा उसका स्थान निर्धारित करके यहाँ पे बहुत अच्छा सिविल हॉस्पिटल भी बनने वाला है और जो जो हमारे मुख्य कार्य हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे इस बार। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।